आज सुबह सुबह सासाराम आरा स्टेट हाईवे पर एक भीषण सड़क हादसा हो गया है। यह हादसा नोखा के नजदीक हुआ है, जहां एक बस और ऑल्टो कार में सीधी टक्कर हुई है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह से बस के अंदर घुस गया है। हमारी रिपोर्टर अजय भट्ट ने बताया कि ऑल्टो कार सासाराम से नोखा की तरफ आ रही थी, जबकि बस नोखा तरफ से सासाराम जा रही थी। दोनों की टक्कर राधिका राइस मिल के सामने हुई है। इस हादसे में IDPI नोखा ब्रांच के सहायक प्रबंधक की मौत हो गई है। मृतक का नाम निमिता श्रीवास्तव है, जो प्रतिदिन की तरह आज भी सासाराम से नोखा अपनी ड्यूटी पर जा रही थी। निमिता श्रीवास्तव डालमिया नगर की निवासी थी। तस्वीरों में आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि टक्कर कितना खतरनाक है। ऑल्टो कार का ड्राइवर भी गंभीर रूप से घायल था, जिसे इलाज के लिए नोखा अस्पताल ले जाया गया, जहां तुरंत उसकी भी मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टक्कर इतना जोरदार था कि कार की पिछली सीट पर बैठी महिला कार से बाहर जा गिरी और उसकी मौत हो गई। आसपास के ग्रामीणों ने तत्काल घटना की सूचना स्थानीय पुलिस को दिया। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच प्रारंभ कर दिया है। मृतक सहायक प्रबंधक की मृत्यु की सूचना भी IDPI शाखा को दे दिया गया है। शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए सासाराम सदर अस्पताल भेज दिया है।